नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी को एक मंदिर के गार्ड ने आतंकवादी समझकर मार डाला। घटना बीती रात की है, जब मंदिर के गार्ड ने पुलिसकर्मी के प्रवेश को मंदिर पर हमला समझ लिया। दरअसल पुलिस ने पुलिसकर्मी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि ये गलत पहचान का मामला है। उत्तरी कश्मीर के DIG सुरजीत कुमार ने कहा कि विजय धर के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक पुलिसकर्मी ने इलाके के एक मंदिर के अंदर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी और इसके बाद गार्ड ने उसे आतंकवादी समझ लिया और उस पर गंभीर रूप से गोली चला दी। विजय स्थानीय निवासी था और हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में रहने वाला था। ऐसे में अधिकारियों ने बताया है कि पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल हंदवाड़ा ले जाया गया, जहां से उसे श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। आगरा के थाना एतमादुल्ला क्षेत्र में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर ट्रांस यमुना फेज 2 में गोयल हॉस्पिटल के पीछे से एक चोर ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया। साथ ही चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आगरा का यह पूरा मामला है, जहाँ पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में चोरों ने मोटरसाइकिल चुराई है, जिसकी ये फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़े शातिर तरीके से ये चोर मोटरसाइकिल को चुरा रहा है। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र में बालू खनन कर रहे खनन माफिया के ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ लिया और ट्रैक्टर को सीज कर दिया। आपको बता दें कि यमुना बिहार से बालू का अवैध खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर ले जा रहे थे। पुलिस ने गश्त के दौरान बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर घेराबंदी कर दी, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर से कूद कर फरार हो गया। तो आगरा का यह पूरा मामला है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में पुलिस ने खनन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया और सीज कर दिया है। साथ ही मौके से ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में खेत से जबरन चारा काटने को लेकर विवाद हो गया। वहीं विवाद के दौरान दबंगों ने खेत मालिक को दौड़ा दौड़ा का पीटा और इसी के साथ ही विवाद में जमकर लाठी डंडे भी चले और तमंचे से फायरिंग भी की गई। बता दें, मारपीट के दौरान दो महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तमंचा लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे में पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही दबंगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो आगरा का यह पूरा मामला है, जहां पर खेत में चारा काटने को लेकर विवाद दो पक्षों में हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तमंचे से वहां पर फायरिंग भी की गई और ऐसे में दबंगों ने खेत मालिक को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा भी। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं। और जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस अब वहां पर मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। साथ ही दबंगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष में गैंसड़ी विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने बलरामपुर UPT होटल सभाकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू द्वारा विधानसभा गैंसड़ी क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी वर्गों और क्षेत्रों का ख्याल रखते हुए विकास के कार्य किए गए हैं, जिन्हें देखकर विपक्षी दलों में बौखलाहट मची हुई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में क्षेत्र में हर संभव प्रयास करके विकास के कार्य कराए गए हैं और सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया गया है। साथ ही सड़कों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और कई मार्गों का चौड़ीकरण भी कराया गया है। आपके सभी स्टेशन जैसे गौरा हमारे यहाँ है, सभी स्टेशन वो बन रहा है,
एक सब स्टेशन का हमने बिशनपुर विश्राम का, एक बालापुर में और यहाँ पे दिया हुआ है कि बिजली में लगभग 222 मजरे हमारी विधानसभा में ऐसे थे जहाँ आज तक आज़ादी के बाद से आज तक बत्ती नहीं लगी थी। आज कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहाँ पे बत्ती न पहुँच गई हो लगभग इन 4 सालों में उसकी, और हर घर तक लगभग बत्ती पहुँचाने का भी अब जिला योजना के तहत हमने लगभग कनेक्शन की भी जो व्यवस्था कराई लोगों को, और जो लोग बचे हुए हैं उनको दिलवाने के भी काम किया जा रहा है। आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल्स जो थे उसमें कई ऐसे स्कूल थे जहाँ पे जो जर्जर थे उनको बदलवा करके गिरवा करके दूसरे तीन चार कई गांव में थे जहाँ पे स्कूल आज तक बने ही नहीं थे, उसको सेंक्शन करवा करके काम चल रहा है। वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सिटी गार्डन खुशहाल कॉलोनी में सोमवार देर रात मुंह बोले भाई ने अपनी बहन और जीजा की मासूम भांजी के सामने गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पति पत्नी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डरी सहमी मासूम से घटना की जानकारी ली और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मामले में लोगों ने बताया कि तक आबाद मुर्गी सप्लाई का काम करता था और मृत का जावेदा उसकी दूसरी पत्नी थी। आबाद की पहली पत्नी की मौत 6 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद आबाद ने जावेदा से दूसरा निकाह किया था। वहीं बच्ची ने बताया है कि सोमवार शाम को उनका मामू समीर उनके घर पर पहुंचा था और रात को समीर आबाद के पास सो गया था और जावेदा अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी देर रात समीर ने छुरे से आबाद पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं शोर सुनकर जैसे ही जावेदा आबाद को बचाने के लिए पहुंची तो समीर ने जावेदा पर भी हमला कर दिया और दोनों की हत्या कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपी समीर की तलाश कर रही है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर मुंह बोले भाई ने पति पत्नी की, अपनी ही बहन और जीजा की हत्या कर दी। वहीं मासूम बच्ची वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरी जानकारी जो है वो बच्ची से ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी मासूम बच्ची घटना के बारे में जानकारी दे रही है, और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि मृतक जो था, मृतक और उसकी पत्नी, मृतक ने दूसरी शादी की थी जावेदा से और उसकी 6 साल पहले एक पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी जावेदा से की थी, लेकिन उसके मुंह बोले भाई ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस मुंह बोले भाई ने इन दोनों की हत्या क्यों की? मनोवर, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है मनोवर से। तो ऐसे में मेरठ का पूरा मामला है, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर मुंह बोले भाई ने पति पत्नी की हत्या कर दी, बच्ची के सामने उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया चाकू से हमला करके। देखिए, ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सिटी गार्डन नाम का एक मोहल्ला है, वहां से सूचना मिली आज सवेरे यानी भोर में 2 बजे की एक दंपत्ति वहां पर रहते थे अपने 4 छोटे बच्चों के साथ में, और इसमें आबाद नाम का व्यक्ति था और इनकी पत्नी थी जावेदा। इन दोनों को इनके घर में आने वाले एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम समीर उर्फ हसीन बताया गया है, उसके द्वारा रात्रि में इसकी हत्या करके घर में रखे हुए चाकू और दाव से हत्या करके इनका गले पर चोट पहुंचाई गई गहरी धारदार हथियार से, जिसके फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें तुरंत ही पुलिस के हम सभी अधिकारी थाने पर उस घटनास्थल पर पहुँचे थे और हमारी जो फोरेंसिक टीम है, हमारा वैज्ञानिक दल, वो भी मौके पर गया, तमाम साक्ष्य संकलित किए। जो प्रथम दृष्टिया जानकारी मिली वो ये है कि इनके घर में एक हसीन और समीर नाम का व्यक्ति, जो कि इनकी पत्नी का मुंह बोला भाई बताया जा रहा है, वो वहाँ पे आता था और उसका काफ़ी आ जाना इस घर में था, उसी के द्वारा रात्रि में घर में रखे हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक आबाद नाम के व्यक्ति के पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र हैं शादाब, उनके द्वारा
अभी उसमें जिक्र करा गया धारा 302 का। अम्मी चिल्ला पहले पापा को गला काटा, यहाँ से पापा का गला काटा और पूरे घर में खून खून हो गया और फिर अम्मी को मार गया। मैं तो अम्मी यहाँ पे लेटी थी नीचे और साजिद को लेकर मैं सब ऊपर लेटी थी। अम्मी चिल्ला रही थी, मैं सोच रही लड़ाई पापा की, तो मैंने उठा देखा जो अम्मी का गला काट दिया, इसलिए मैंने खींचा मैं लात मार दी। किसने मार दिया बेटा लात? मामू ने लात मार दी। तेरे? क्या नाम मामू का आपके? समीर। कहाँ रहे हैं समीर? मुझे नहीं पता। अच्छा फिर क्या करा उन्होंने? फिर लात मार दी हमने, तो गला काट के फिर हमने कैसे होने लगे फिर भागने लगे वो जल्दी का वो लेके। चलिए मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों मुंह बोले भाई ने बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया? मनोवर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी मनोवर मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। मनोवर आखिर ये पूरा मामला क्या है, शायद मेरी आवाज मनोवर तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मेरठ का ये पूरा मामला है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का, जहां पर मुंह बोले भाई ने अपनी बहन और जीजा की गला रेत कर चाकू से हमला कर उन्हें दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बच्ची के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस बच्ची से जानकारी ली और ऐसे में फिर से एक बार हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। मनोवर क्या ये पूरा मामला है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिटी गार्डन पड़ता है ब्रह्मपुरी इलाके में, यहाँ पर एक परिवार रहता था और इस परिवार में ये हंसता खेलता परिवार था, जो इसमें पत्नी थी, एक पति था, एक मासूम बच्ची थी। लेकिन इस परिवार पर जो कहर बनकर टूटा है जी, इसी परिवार का जो रिश्तेदार था या कह सकते मुंह बोला भाई जी, जो मृतका है उसने, उसका नाम समीर था, उसने घर में घुसकर निर्मम तरीके से अपने जीजा और अपनी बहन की हत्या कर दी, गला रेतकर हत्या की। हैरानी बात यह है जो मासूम बच्ची जो यहाँ पर थी, जो भांजी थी आरोपी की, वो यहाँ मौजूद थी, उसकी आंखों के सामने जो आरोपी समीर था उसने जो आबाद और उसकी पत्नी जावेदा दोनों की निर्मम हत्या की और मौके से फरार हो गया। हालांकि जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो बाकायदा पूरी घटना मासूम बच्ची ने पुलिस को बताई। लेकिन क्या अब तक ये पता चल पाया है कि जो आरोपी है उसने क्यों इस घटना को अंजाम दिया? देखिए यही सबसे बड़ी वजह है, अभी तक पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, उसको पकड़ने के लिए केटी में गठित की गई है। आरोपी को पकड़ा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या वजह थी जो उसने अपनी ही बहन और अपनी बहनोई की निर्मम हत्या कर दी, गला रेतकर हत्या कर दी और इस तरीके से हत्या करने के बाद फरार हुआ है। पुलिस के सामने जो सवाल है, सभी के सामने सवाल है। हालांकि पुलिस के कार्रवाई के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद इस सवाल से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल तो पुलिस ने दोनों के पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को सुपुर्द खाक करने के लिए परिजनों को सौंपा है। लेकिन हैरत की बात यह भी है कि एक अपने ही जो कह सकते हैं भाई ने अपने बहनों ही और अपनी बहन को मार करके पूरे परिवार को उजाड़ दिया और जो मासूम बच्ची सानिया थी उसको बेसहारा कर दिया। अब वो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी है, मामा फरार है, माता और पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में उसका सहारा कोई नहीं बचा है। मनोवर परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या देखिए जिस तरह से ये मुंह बोला भाई था मृतका का, उसने बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया, तो परिवार क्या कुछ कह रहा है? क्या पहले से आपस में इन लोगों का कुछ विवाद था? देखिए अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी प्रकार का कोई विवाद था, क्योंकि पहले सब सलामत रह रहे थे। परिवार वाले खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया है, कि क्या वजह हुई है, कि क्या बात हुई कि घर में घुसकर अपनी ही भांजी के सामने इस तरीके से गला काट करके, गला रेत करके हत्या की है। हालांकि तमाम जो गुत्थी है उसको सुलझाने में पुलिस लगी हुई है, पुलिस सर्विलांस के माध्यम से और कई माध्यमों से आरोपी को तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जब तक आरोपी पारुल हाथ नहीं आता है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर वजह क्या थी। इतना होगा कि पुलिस की गिरफ्त के बाद, पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी क्या कबूलता है और ये हत्या का जो कारण है क्या बताता है आरोपी। जी चलिए मनोवर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ का ये पूरा मामला है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का, जहाँ पर एक बहनों भाई ने ही अपनी मुंह बोली बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया।
तो बता दें मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर मुंह बोले भाई ने अपनी बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वजह क्या थी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है और जैसे ही आरोपी को पकड़ा जाएगा तो सभी बातें सामने आ जाएगी कि आखिर उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। हालांकि बच्ची के सामने ही इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया था। उस बच्ची ने साफ तौर पर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को और घर वालों को दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की, हर पहलू जानने की कोशिश की तो बच्ची ने सारी बातें बताई, जिसके बाद अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है और ऐसे में अब आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 26,964 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले 26,115 केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 383 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वैसे बता दें 34,167 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 7,586 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में केरल में मंगलवार को कोविड के 15,700 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 214 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45 लाख से ज्यादा है, जबकि मरने वालों की तादाद 23,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,61,195 है और कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,31,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से बता दें 4,45,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,27,83,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या करीब 3,00,000 है और कुल 3,01,900 से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो यानी कि लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक दिन मामले कम हो रहे हैं तो अगले दिन मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 27,000 के करीब कोरोना के मामले सामने आए हैं। आगरा में आबकारी विभाग ने थाना नाई के मंडी क्षेत्र में कार्रवाई करने के बाद गांव कोराई गांव में सौन और थाना खेरागढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आबकारी विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर देसी शराब, कच्चे का और बियर की दुकान पर छापेमारी कर 15 लीटर कच्ची शराब, 67 देसी पवा और 10 केन बियर की अवैध शराब बरामद की है। वहीं आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। साथ ही बता दें सभी शराब के ठेकेदारों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो आगरा का पूरा मामला है जहां पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है और ऐसे में शराब माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और साथ ही बता दें शराब माफियाओं में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आगरा के बसई अरेला क्षेत्र में राजस्व टीम और पुलिस ने गरीब के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिसके चलते गरीब परिवार बेघर हो गया। वहीं राजस्व टीम ने गरीब परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा नहीं खाली किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष का कहना है कि मकान खाली करने का कोई नोटिस ही नहीं दिया गया था। इसी के साथ पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सामान निकालने से पहले ही बुलडोजर चला दिया गया, जिसके चलते मलबे में सारा घरेलू सामान भी नष्ट हो गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि खेत के मालिक की शिकायत पर राजस्व टीम ने अवैध रूप से खेत में बने मकान पर बुलडोजर चलाकर ये कार्रवाई की है। तो आगरा का पूरा मामला है जहां पर गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि कहा गया था कि नोटिस दे दिया गया था परिवार को, लेकिन परिवार ये आरोप लगा रहा है कि कोई भी नोटिस उन्हें नहीं मिला था और इसीलिए वो घर भी अपना खाली नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से घर में जो सामान रखा था, घरेलू सामान जो था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है।
गाजियाबाद के थाना क्षेत्र लोनी में पुलिस की तरफ से चेकिंग के दौरान एक बाइक जिस पर दो लड़के सवार थे, संदिग्ध लगने पर रोकने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके और वहां से भागने लगे। पुलिस की तरफ से बाइक सवारों को का पीछा किया गया तो बाइक सवार बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की ओर से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। साथी घायल बदमाश की पहचान दिलवर पुत्र इरशाद निवासी अशोक विहार कॉलोनी के रूप में हुई है। मुरैना में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर पोरसा चौराहा पत्थर के पास तेज बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बता दें, मुरैना में यह हादसा हुआ है, जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई और ऐसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के ये भेज दिया है। लगातार बता दें, मध्य प्रदेश हो या फिर और तमाम राज्य हो, लगातार बारिश होने की वजह से तमाम परेशानी हो रही है। ऐसे में अब जहां पर बारिश लगातार पड़ रही थी, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर तीन लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई है। आज अभी सूचना मिली है कि थोड़ी देर पहले अम्बा में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और जो शासन स्तर से आरबीसी में जो सहायता राशि दी जाती है 4 लाख रुपये, वो अभी उनको शीघ्र मुहैया कराई जाएगी और उनके जो भी आवश्यक सहयोग होगा अन्य भी प्रशासनिक स्तर से किया जाएगा। सहारनपुर में मेयर संजीव बालिया ने प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं। नगर निगम के सभाकर में पत्रकार वार्ता में मेयर संजीव बालिया ने कहा कि 2 महीने के बाद सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएगा। ऐसे में महानगर में जो कार्य काफी सालों से लंबित चले आ रहे थे, बीजेपी सरकार में उन सबको पूरा करने का काम किया गया। वहीं इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, बीजेपी अध्यक्ष राकेश जैन समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के सफलतम 4.5 साल पूरे होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी। उसी संदर्भ में हर विधानसभा में प्रदेश संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस रखी गई है। उसी क्रम में आज यहाँ सहारनपुर में एक प्रेस रखी गई, जिसमें आदरणीय हमारे नगर अध्यक्ष जी, मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के संदर्भ में योगी जी ने कहा है, वही मैंने सहारनपुर के संदर्भ में, सहारनपुर में भी जो कमज़ोर व्यक्तियों के प्लॉट्स वगैरह पे कब्जा हुआ करते थे या सरकारी संपत्तियों पे जो कब्जे हुआ करते थे, वो कब्जे छुड़वाने का काम हमने इस 4 साल में किया है। और आप देख सकते हैं, नेहरू मार्केट में 6,000 मीटर जो जगह थी, जो बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच, उसे हमने कब्जा मुक्त कराया। और जो प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर कार्य हो रहा है, वो सब आपके संज्ञान में ही सहारनपुर में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।